नमस्कार, आप देख रहे हैं नैन तक बिहार। सो की बड़ी खबर आपको देखिए, बिहार में नई सरकार जरूर बन गई है लेकिन अपराधियों के हौसले कम नहीं हो रहे हैं। शायद इसलिए बेखौफ गोलीबारी को अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार की देर शाम एक महिला को अपराधियों ने गोली मार घायल कर दिया। घायल महिला की पहचान दौदा थाना क्षेत्र के रसूलपुर निवासी अरविंद यादव की पत्नी पूजा देवी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पूजा देवी अपने घर के पास टहल रही थी, तभी एक अपराधी आया और हाथ से मोबाइल छीनने लगा, जिस पर महिला पूजा देवी ने उसका विरोध किया। शोर मचाते देख अपराधी ने पूजा देवी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। आनन फानन में लोगों ने पूजा देवी को पीएससी भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज हेतु सिवान अस्पताल रेफर कर दिया, जहां घायल पूजा की स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये मोबाइल छीनतई के दौरान ये घटना घटी है और सोमवार की बीती रात की है, देर रात की यह घटना है। और आपको बता दें कि पूजा देवी नामक महिला की को अपराधियों ने गोली मार दी है। बताया जाता है कि अपराधी एक ही था, एक ही संख्या में था और ये जैसे ही टहलने निकली वैसे ही मोबाइल छीनने लगा, जिसका विरोध करने पर पूजा देवी को गोली मारकर फरार हो गया। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं नैन तक बिहार पर। जो लोग देख रहे हैं खबर को लाइक कर दें।